वसीम साहब गुड मॉर्निंग, और आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो काफ़ी ज़्यादा उपासक हम कहेंगे माँ दुर्गा के, और हम देखते हैं आपको तस्वीरें आती हैं कभी वैष्णो देवी से कभी किसी मंदिर से, इस बार क्या तैयारी है? और सर ये बताइए कि बाजार में आपकी क्या तैयारी है आज के लिए? हाँ गुड मॉर्निंग अभिषेक, पहले तो सबको जय माता दी और बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरे तो उपवास है और जय माता दी यही करेंगे कि 20,000 इस बारी जरूर आए और ये जो पेसिमिज्म है सब पीछे रह जाए। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नोट है, पहला दिन है, दूसरा दिन है नवरात्रों का, तो आप तैयारी कर लीजिए। ये 15 तारीख ये अगले 10 दिन में 20,000 आया। उसके अलावा आप देखिए रशियन ऑयल एट अ डबल डिस्काउंट, सबसे बड़ी हेडलाइन, लोग बाग मिस कर रहे हैं। रिलायंस विल बी द ह्यूज बेनिफिशियरी और रिजल्ट्स में आपको दिखेगा। कंजम्पशन स्पेंडिंग पहली बात तो दीजिए। प्रियंका जी को मैंने कहा था इंडिया विल बीट पाकिस्तान हैंड्स डाउन, उन्होंने कहा संजीव जी टाइट मैच होएगा, मैंने कहा नहीं प्रियंका, देखिए क्या मैच हुआ। और कल तो आपका योर ब्रेथ वॉज टेकन अवे बाय व्हाट अफगानिस्तान डिड टू इंग्लैंड, डाउन विद इंग्लैंड। ये देखिए क्या क्या गेम, ये क्या मैच होता है क्रिकेट का, सारे आपकी मंदी खत्म हो गई। दूसरी बात, दिस इज द टाइम फॉर अंडरडॉग्स टू परफॉर्म, और मुझे कोई दो राय नहीं, सूनर रादर देन लेटर एज यू सी नेगोशिएशंस टेक प्लेस, कमोडिटीज विल लीड दिस रैली एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द मार्केट हिटिंग न्यू हाईज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। संजीव जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इंडिया का आप देखें हर जगह इंडिया इज एबल टू मेक अ मार्क, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट्स में जिस तरह के फ्लोस की बात की जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, और साथ ही आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें। इससे पहले जो एशियन गेम्स हुई, क्रिकेट तो ऑफकोर्स उसकी दीवानगी तो आई एशियन गेम्स में, कहाँ आप 107 से ज़्यादा मेडल्स इंडिया को मिले, तो ऑफकोर्स इंडिया इस वक्त बिल्कुल शाइनिंग लाइक अ ज्वेल है। और इस ज्वेल इन मेकिंग में हम सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली जो हम स्टॉक मार्केट में जो कॉल्स की बात करते हैं, उन सबके लिए आपकी भी बहुत थैंकफुल है जो आप लगातार रेगुलरली कंट्रीब्यूट भी करते हैं। संजीव जी, अब आज की कॉल्स कौन सी होंगी? अंडरडॉग्स का समय अगर, तो कौन सी आज दो स्पेशल कॉल्स आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए? हाँ गुड मॉर्निंग प्रियंका, देखिए रशियन क्रूड इज बीइंग सोल्ड एट अ डबल डिस्काउंट, क्योंकि उनको पता है कि द बिगेस्ट कॉन्डूट बायर हैज टू बी इंडिया, और इस कारण से आई थिंक रिफाइनर्स पर्टिकुलरली रिलायंस दैट विल लीड द पैक, उसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार होंगे। मुझे बजाज ऑटो बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज इट्स द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, बट आपको शायद पता नहीं उनके यहाँ वेटिंग पीरियड हो गया, जो उन्होंने अपनी स्कूटर को कन्वर्ट कर दिया इनटू ईवीज, एंड देयर न्यू प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू टेक द मार्केट बाय स्टॉर्म। तो बजाज ऑटो इज वन टॉप टू व्हीलर विच यू मस्ट ऐड। मेरे को 5200 का भाव जल्दी में दिखता है, लेकिन 5500 का भाव अगर आप ईयर एंड तक वेट करेंगे, बजाज ऑटो इज गोइंग टू गिव यू अ 10% रैली। ये दो मुझे बहुत पसंद है। साथ में आपको मैं बताऊं, कॉपर प्राइसेस एंड एल्युमिनियम आर स्टार्टिंग टू मूव अप। किसने सोचा था एनएमडीसी जीएमडीसी आर हिटिंग न्यू हाइज, तो 164.65 पे एनएमडीसी लीजिए, 57 रुपए का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट। और उसी शैली में मैं कहूंगा हिंडाल्को एंड टाटा स्टील आर टू हैवी वेट्स विच यू मस्ट एड एट दिस प्राइस एंड ऑन डिक्लाइन, बिकॉज कमोडिटीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बुलिश बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड द ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। जय माता दी एक बार आपको फिर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, ये दोनों आपके शेयर्स हैं, और 20,000 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाना चाहिए। वसीम साहब जय माता दी, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कल बता के गए थे ना कि इसी नवरात्रों में 20,000 देख लेंगे, आज धीरे धीरे उसी कड़ी की तरफ सर बढ़ रहे हैं, थोड़ा गैप भी मिलेगा, कल अच्छा बेस भी बना लिया, HDFC के नंबर ठीक ठाक हैं। सर आपकी रीडिंग क्या है, एक तो जरा वो बताइएगा मार्केट्स पे, और दूसरा आज आपके शेयर्स कौन से हैं वो भी बता दीजिएगा सर। हाँ गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, जय माता दी आपको भी, सारे दर्शकों को भी, और नवरात्रों के शुभ दिनों में जरूर आपको बरकत आएगी, और माता ने चाहा तो जरूर 20,000 तो आया ही आया। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो HDFC के जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई, आई थिंक रिजल्ट्स वर इन लाइन, और जो सेलिंग आनी थी उसमें वो खत्म हो गई। रिलायंस में आई थिंक GRM स्ट्रेंथ की वजह से उसमें एक और एडेड एडवांटेज आएगा। साथ में आपको मैंने पहले भी कहा कि क्रूड इन फ्रॉम रशिया इज नाउ सीइंग डबल द डिस्काउंट, तो आई थिंक रिलायंस उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है एंड दे शुड ऐड टू द इंडेक्स। बट ब्रॉडर मार्केट देखिए, आपको प्रियंका को मैंने चंबल GNFC SBI लाइव कहे थे 3-4 दिन पहले, उन्होंने बहुत स्टेलर रिटर्न्स दिए हैं। तो मार्केट इज ऑल अबाउट डायनामिक्स ऑफ रोटेटिंग, इंडेक्स पे इतना व्यू मत दीजिए। 20,000 भी चले गया तो आपका पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है। यहाँ पे मुझे मेटल्स बहुत पसंद है डिम्पी जी,
मैं कहूंगा कि टाटा स्टील और हिंडाल्को और मस्ट हैव्स, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस आर मूविंग अप। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है और एनएमडीसी जीएमडीसी हैव सीन अ स्टेलर राइज, बट आई स्टिल थिंक द बेस्ट पिक्स यहाँ टाटा स्टील और हिंडाल्को है, पेडिग्री स्टॉक जो इंडेक्स में है। और एक पोजिशनल प्ले है जो मैंने पहले भी कहा, एसबीआई कार्ड। ये एसबीआई कार्ड इज गेनिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी एंड एक्सिस, और इस क्वार्टर से उसके जो नंबर आएंगे बहुत स्टेलर होंगे, प्लस उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन मे बी द हाईएस्ट एवर इन इन द लास्ट 16 क्वार्टर्स। तो एसबीआई कार्ड यहाँ से 900 से मेरे को तो 1000 रुपए का भाव दिखता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, लेकिन 900 रुपए का भाव आपको यहाँ से दिवाली तक जरूर आना चाहिए। संजीव जी, हमें याद है आपका चंबल फर्टिलाइजर और जीएनएफसी, इनफैक्ट केमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस में रैली तो कल दिखी थी, लेकिन ये स्टॉक्स तो संजीव जी ने हमें पिछले हफ्ते ही दे दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन स्टॉक पिक्स हमारे लिए आइडेंटिफाई करके लाने के लिए, तो और इनमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है ना आपने संजीव जी, ये अभी भी बने रह सकते हैं जीएनएफसी में? भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर ले, जीएनएफसी आई थिंक आज बैन में भी है, लेकिन अंडरलाइंग बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको कह सकता हूँ प्रियंका, थोड़े से कॉन्ट्रेरियन होइए, क्योंकि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, नायलॉन कॉर्ड, स्पेशलिटी केमिकल्स, दे आर जस्ट रेयरिंग टू गो, और उनमें वैल्यूएशन का बहुत कंफर्ट है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा थोड़ा इनमें प्रॉफिट बुक कीजिए और एसआरएफ लीजिए। एसआरएफ आज आप यूफ्लेक्स वगैरह में बाइंग देख रहे हैं, एसआरएफ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन बीपीओटी, विच इज द जो आपकी पैकेजिंग बनाती है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन नायलॉन कॉर्ड, और उसके अलावा फ्लोरोकेमिकल में इट्स नंबर वन। तो वो एक परफेक्ट मिक्स है जो यहाँ से मुझे 2700 का भाव दिखता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 2700 SRF इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए, ये सारी पिक्स हमें बताने के लिए। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात, तो इन सारी ट्रेडिंग पिक्स को, इनके टारगेट्स को याद रखें आप। बसीन साहब गुड मॉर्निंग, नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं आपको, आज तो माँ कुष्मांडा का दिन है, आज बाजार पर आपका क्या व्यू है सर, क्योंकि थोड़ी सी ना ग्लोबल टेंशन हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है, जरा उसकी कॉन्टेक्स्ट बताइए कि भारतीय बाजारों की चाल कैसी होगी, और अपने शेयर बताइए कहां पर आपकी नजर है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको और आपके व्यूअर्स को और सबको फिर नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो देखिए, एक तरफ तो ग्लोबल टेंशन रहेगी और उसके ऊपर ना मेरा ना आपका ना किसी का विश्व में हाथ है या कोई कंट्रोल है, लेकिन एक बात पॉजिटिव है कि फॉरेन सेलिंग हैज एक्चुअली एग्जॉस्टेड और मे बी कम टू अ हॉल्ट, और एज अ डेस्टिनेशन इंडिया बिकम्स वेरी गुड रेसिपिएंट ऑफ फ्लोस, और मुझे लगता है यहाँ से शेयर बाजार ऊपर ही जाएगा। मैं आपको यहाँ दावे से कहता हूँ अगले हफ्ते अगले बुधवार को शायद 20,000 के दर्शन जरूर हो जाएंगे, और उससे भी ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस। कहाँ देखिए, पीएसयू, कोल इंडिया न्यू हाई, कुद्रेमुख आयरन और एनएमडीसी, तो मार्केट एक डिसर्निंग है, सिर्फ इंडेक्स पे नजर ना डालिए। और वहां पे भी एचडीएफसी बैंक के नंबर मेरे को तो बहुत शानदार लगे, लॉन्ग टर्म पिक पोजिशनल पे मेरा एचडीएफसी बैंक टॉप पिक है। मैंने पहले भी कहा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक इस भाव पे बहुत अट्रैक्टिव है, रिलायंस ने कल स्टार्ट कर दिया, आज एचडीएफसी बैंक में आज या कल में मूवमेंट जरूर आएगा। 1750 का टारगेट है, 1480-85 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये क्वालिटी पोजिशनल पे है। मैंने कल प्रियंका को इंट्राडे में L&T फाइनेंस दिया था, दो दिन तीन दिन पहले 5050 में बजाज ऑटो दिया था, 5200 का टारगेट वो हो गया, जीएनएफसी चंबल हो गया और एसबीआई लाइफ, ये चारों मेरे पोजिशनल प्ले इंट्राडे थे जो हो चुके हैं। आज मेरा टॉप पिक होएगा दीपक नाइट्राइट। देखिए, फिनॉल और एसिटोन प्राइसेस हैव करेक्टेड फ्रॉम 25 rupees a kg टू 15, और मुझे लगता है यह जियोपॉलिटिकल टेंशन से फिर में इनमें स्पॉट आना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट इज अ मोनोपोली प्ले ऑन दैट एंड एसआरएफ आर टू ऑफ माय बिग पिक्स। एसआरएफ पोजिशनल प्ले है 2750 का, दीपक नाइट्राइट अगले हफ्ते तक मुझे 2250 का टारगेट है, और आप 2170 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मैं मुझे यहाँ पे एसआरएफ जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलावा मुझे एसबीआई कार्ड पे रीइटरेट करता हूँ, एसबीआई कार्ड हैज जस्ट गिवन अ ब्रेकआउट अबव 808, अगर ये एक दिन और सस्टेन हो गया तो 850 आपको नेक्स्ट वीक तक एसबीआई कार्ड पे दिख सकते हैं।
राइट. मॉर्निंग संजीव जी, बिल्कुल ये बेहतरीन पिक्स. हम यूएस को एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो आपने सारी पिक्स दी थी उसमें चंबल में भी अब एक चंबल हुआ, GNFC हुआ, बजाज ऑटो में पार्शल प्रॉफिट बुक की सलाह, SBI का. आज आपने दीपक नाइट्रेट ऐड किया और कल भी आपकी कन्विक्शन थी दीपक नाइट्रेट पे. टॉप पिक्स में HDFC बैंक. लेकिन संजीव जी, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि जिस तरह से PSU स्पेस के कुछ स्टॉक्स जिनमें इतने बड़े वॉल्यूम है, इतनी तेजी से इसमें मूवमेंट दिख रही है, चाहे वो MMTC जैसे काउंटर हो, STC, ITI और इनमें KIOCL जैसे काउंटर्स हो, 40% सिर्फ दो दिन में भाग गए, फ्री फ्लोट इनका कम है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनियां नहीं है, इनमें ऑफकोर्स रिटेल इन्वेस्टर एक बार के लिए तो कॉशस होना चाहिए ना, लेकिन जिस तरह की मूव दिख रही है वो फंस भी उसी तरह से सकते हैं. आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्पेस को, क्या इस वक्त एडवाइस रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स को? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी. देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ही बड़ा इंडियन पेट्रियट हूँ, आपकी तरह या सबकी तरह और डिप्पी की तरह खासकर. तो मैं तो PSUs को आई लव देम फ्रॉम मेनी मेनी इयर्स. आपको मैं बताऊं, मैंने 7-8 साल फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर को रखा, 35-40-50 कुछ भी नहीं करता था ये शेयर. इनफैक्ट जो भाव लेता था नीचे आ जाता था. आज आपको अचंबा आएगा, 725 का भाव हो गया है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर. अब कुछ शेयरिंग्स, कुछ शेयरों के भाव ऑब्वियसली बहुत अपने प्राइम से बढ़ गए हैं, बट दैट टेल्स यू के ओनरशिप नहीं है. म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इज बीन एब्सिमल बिकॉज यू आपके पास थे ही नहीं PSU, यू हेटेड देम. चाहे बैंक्स थे, चाहे डिफेंस थे, चाहे रेलवे थे, चाहे सो PSUs आर जस्ट कमिंग ऑफ एज. यस, आपकी बात सही है कि उनकी वैल्यूएशन में, क्योंकि आपको रनअप अच्छा लगता है, लेकिन उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एब्सिमल थी एट दोज लेवल्स इन द लास्ट 7-8 ईयर. This is just the undoing. आज देखिए कुद्रम एक आयरन और कहां से कहां पहुंच गया. हाँ, उनके फ्लोटिंग स्टॉक्स भी कम है, इस कारण से मार्केट की थोड़ी डिसर्निंग हो सकती है. बट आई स्टिल थिंक अनलॉकिंग ऑफ PSU वैल्यूएशन इज ऑन द कार्ड्स बिकॉज ऑफ अंडर ओनरशिप. और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस डिकेड हैज बिलोंग टू PSUs. और जिस तरह की सरकार की नीति हुई है कि दे हैव बीन लेटिंग देम रन मोर ऑटोनोमसली, दैट विल बी इवन मोर पॉजिटिव फॉर देम. ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हाई करने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए. बहुत शुक्रिया आपका. फिर से मुलाकात होगी सर आपसे जल्दी.